हाय माय ब्यूटीफुल हील्ड हेल्दी पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है 111 डायरेक्ट चैनल के ऊपर। आई होप आप लोग अपने आप को अफर्मेशंस दे रहे होंगे। कैसे दे रहे हैं भाई पता नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या देनी है अफर्मेशंस, तो भी मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी में आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आप लोगों को टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम क्या पता करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम लोग ना एनर्जी शिफ्ट चेक करने वाले हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इस वजह से मैं कर रही हूँ। तो कलेक्टिवली आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के एनर्जीज में कितना कितना चेंज आया है, कितना कितना क्या बदलाव है, ठीक है, उनकी एनर्जीज के अंदर। पहले वो क्या सोचा करते थे और अभी वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली पहले के लिए ना कुछ कांच निकालते हैं कि पहले वो क्या सोचा करते थे। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल क्यूट लिटिल मिनी डेक। इसका नाम शायद हैंसन रॉबर्ट्स है, शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या इनकी एनर्जीज पहले हुआ करती थी। बहुत कुछ ही चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत कुछ। पहले क्या सोचा करते थे ये? ओके, हैरोफिट। पहले के कार्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ रोड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ रोड्स, हैरोफेंट। बहुत वियर्ड सी सोच दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की। गाइस, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचा करते थे कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ये रिलेशनशिप अब कभी नए सिरे से नहीं शुरू हो सकता। हालांकि प्यार बहुत था उनके दिल में उस वक्त भी और आज भी दिख रहा है मुझे, बट अभी हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले की एनर्जी चेक कर रहे हैं। पहले की एनर्जीज उनकी ऐसी रहती थी कि वो 2400 घंटे आपके बारे में सोचते रहते थे विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। लेकिन वो किसी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे थे। क्यों नहीं लेना चाह रहे थे इनिशिएटिव? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि चीजें कभी भी सॉर्टेड नहीं होंगी, सब कुछ खराब ही रहेगा, सब कुछ बेकार ही रहेगा, उनकी लाइफ ऐसे ही डिस्ट्रॉयबल ही रहेगी और सब कुछ खराब ही रहेगा, आगे चल करके भी खराब होता ही रहेगा। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फॉर श्योर ये पर्सन अपनी ही एनर्जीज के अंदर डूबा हुआ रहता था और अपने हर बार अपने बारे में सोचता रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, करूं भी या नहीं करूं, या फिर छोड़ दूं सारी चीजों को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, ऐसा भी सोचते थे ये। घंटों रात को बैठ करके आपके बारे में ही सोचते रहा करते थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस चीज से निकलने के लिए, क्योंकि इन्होंने टोटली गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने टोटली गिव अप कर दिया था अपने रिलेशन के ऊपर और इन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता इस रिश्ते का, कुछ भी सही नहीं होगा, सब चीजें अब खराब हो चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे। ऐसा भी हो सकता है इनके घर वाले इनके पीछे पड़े हुए हों कि तुम शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये उन सब चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। ठीक है, टोटली आपको मिस किया करते थे। अब चेक करते हैं अब इनकी एनर्जीज क्या चल रही है। कितना क्या एनर्जी शिफ्ट आया, अभी ये कार्ड मिलेंगे अपन, मैं खुद लूंगी। ठीक है, कितना क्या एनर्जी शिफ्ट आया है इनके दिमाग में। ओके, सो वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, फूल, एस ऑफ रोड्स एंड थ्री ऑफ पेनिकल्स, शाबाश, गुड। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। देखो, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल ये क्या सोच रहा है। ठीक है, आपको पता है ये पहले इनकी क्या एनर्जीज रहा करती थी। अभी ये जो सोच रहे हैं, अभी इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं चला जाऊं। ठीक है, चला जाऊं या चली जाऊं, जो भी है आपके पर्सन, मैं चला जाता हूं उसके पास में
उसके साथ फ्रेंडशिप ही रख लेता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। अगर मैं फ्रेंडशिप भी रखूंगा ना, तो भी शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी जिंदगी में एक तरीके का सुकून आ जाए, एक तरीके की शांति सी आ जाए, मेरी लाइफ ना एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाए, चीजें सॉर्टेड होना शुरू हो जाए शायद। मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद की एक ग्रीड सी चल रही है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ना उसके पास जाऊं, उसको बोलूं कि वो मुझे माफ कर दें, वो फगिव अलर नेचर उसका है ही, वो मुझे माफ कर भी देगी फॉर श्योर, ठीक है। और मेरी जिंदगी में सब कुछ नए सिरे से नई बेहतरी के लिए होना शुरू हो जाए, सब कुछ अच्छा 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 हो मेरी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा ये कि ये पर्सन ना अभी भी, पहले भी देखो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, अभी भी टू ऑफ सोच्स का कार्ड है, पहले ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा करते थे, नो डाउट अभी भी सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक तरीके का जो मैं शिफ्ट देख रही हूँ ना, वो ये है कि पहले ये सिर्फ नेगेटिव ही सोचा करते थे, अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रही हैं इस रिश्ते को लेकर के। हालांकि अभी भी इनके दिमाग में ये है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन इनको ना एक तरीके की होप जरूर आई है कि होगा, कभी तो होगा, कैसा तो होगा, कुछ तो होगा, एटलीस्ट मुझे जाना चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, मैजिशियन का कार्ड है। तो हो सकता है पहले आप लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, अगर कर भी रहे थे तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, अभी हाल फिलहाल आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन का भी कार्ड है यहाँ पे, और ये पर्सन आपको कोई ब्यूटीफुल सा कोई कमिटमेंट या कोई ब्यूटीफुल सा कम्युनिकेशन भी देना चाहता है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा शिफ्ट आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में हाई प्रिस्टेस का खेल हो, हाई प्रिस्टेस उनकी मदर फिगर या फिर उनके खुद की मदर, जो कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करे। किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करती है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे अलग होना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन चाह रहा था और अभी वो चीज नहीं है, ठीक है। टोटली एनर्जी शिफ्ट चल रहा है यहाँ पे, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिक्रिएट अ न्यू हेल्दी रिलेशनशिप विद यू, ठीक है, कुछ नया शुरू करना चाहता है। चलो चेक करते हैं और क्या नया शुरू करना चाहता है ये, और क्या चल रहा है इसके दिमाग में, और क्या एनर्जी शिफ्ट आया है इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में कोई बदलाव आया है जिसकी वजह से ऐसा एनर्जी शिफ्ट आया है, या फिर कुछ और। किसी ने इसको समझाया है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसकी मदर ने इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, इसे भड़काया है, तो किसी ने अभी इसको हाल फिलहाल समझाया भी है, ठीक है। जिस समझाइश की वजह से, या फिर कह लो कि उस समझदारी की वजह से इस पर्सन ने ना आपका इंतजार करना शुरू किया है अभी हाल फिलहाल, लेकिन ये स्टक महसूस अभी भी कर रहा है। मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, लोग इतना ज्यादा स्टक क्यों फील करते हैं। अरे जो है सो है, कह कहा कि छुट्टी करो, है ना। बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहा है अभी भी, लेकिन इसे किसी ने समझाया है। जो ये एनर्जी शिफ्ट आया है ना, इतना मेजर एनर्जी शिफ्ट जो आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि इसको किसी ने समझाया है आपके लिए कि यार देखो, शी इज द राइट वन फॉर यू, या ही इज द राइट वन फॉर यू, आपको जाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। या फिर इस तरीके से भी समझाइश मुझे नजर आ रही है कि तुम्हारी जिंदगी में जो इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना करियर को लेकर के, और परेशानियां जो चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसका कर्स तो नहीं है, कहीं उसका श्राप तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। जाओ और उससे बात करो, उसको हील करने की कोशिश करो, उसे माफी मांगो, ठीक है। तो ये पर्सन अभी एक अच्छे अवसर का इंतजार कर रहा है, एक अच्छी समय का वेट कर रहा है, जब आए और ये आपसे बातचीत करे, ठीक है। एक सही समय का इंतजार चल रहा है इसकी जिंदगी में। चलिए कुछ यहाँ से ना मैसेजेस देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, इससे ना हमें पता लग जाएगा कि वो क्या तो मिस कर रहे हैं और क्या चल रहा है। यू किस माई फोरहेड, तो उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा याद आ रही है। द वे यू मेक मी स्माइल, जिस तरीके से आप उनको मिस करते हो, जिस तरीके से आप उनको किस करते हो, जिस तरीके से आप उनको हंसाते हो, खुश रखने की कोशिश करते हो, जिंदगी सिखाई है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आपने कहीं ना कहीं इनको जिंदगी सिखाई है। जब तुम मुस्कुराते हो तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू हैव ब्राइटेस्ट स्माइल, स्माइल्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में स्माइल कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है।
फिर हमारे पास आई लव योर अच्छा जी, तो इनको ना आपका अच्छा जी बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है या पसंद हो सकता था। आई लव योर स्माइल, कीप स्माइलिंग, भाई स्माइल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा चल रही है। फिर है यू मेक मी फील स्पेशल, फ्री होने की कोशिश करते हो जस्ट मेरे लिए, तो इनको पता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वैसी है, मतलब टफ है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बट स्टिल आप जो है इनके लिए जो फ्री रहने की कोशिश करते हो, ही रियली लव दैट थिंग। फिर हमारे पास गिल्ट का कार्ड है, तो देखो पहले भी इनको था गिल्ट, अगर आप लोगों को दिख रहा हो कार्ड अच्छे से, आई होप दिख रहा है ना, तो इनको वो चीज़ है कि पहले भी इनके मन में एक तरीके का गिल्ट था, लेकिन अभी वो चीज़ जो है समाप्त होती हुई मुझे नजर आ रही है, खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे आपके लिए, जब तुम मुझे परी बोलते हो, तो हो सकता है आप लोगों में से कोई हो जिसका नाम परी हो, या फिर आप अपने पर्सन को परी बुलाते हो, ठीक है, किसी का नाम परी हो सकता है। फिर है तुम जितना मुझे जानते हो उतना कोई नहीं जानता, एंड तुम जानते ही नहीं तुम क्या हो मेरे लिए। फिर है हमारे पास तुम हर पल ख्यालों में होते हो, आई लव योर चीक्स एंड किसेस भेजी हैं उन्होंने आपके लिए। फिर है जैसे तुम हमेशा होते हो मेरे लिए, यानी आप हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं इनके लिए। पूर्णिमा येलो हो सकता है, अभी पूर्णमासी आके गई थी उसका असर हुआ है ये, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड व्हाट वी हैव, टू कार्ड्स हैं, हेल्पलेस वन सी यू, तो ये आपको ना देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड आई सी यू एज माई वाइफ, बट तो ये आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा खासा मेजर एनर्जी शिफ्ट आया है इनकी लाइफ में आपको लेकर के, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके सो इन्जॉयड इट गाइज, और ये आप लोगों के लिए वीडियो एक तरीके का आई होप गाइडेंस प्रोवाइड ज़रूर करेगा कि आप लोगों को और अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहिए। जल्दी मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ हो सकता है आज से ही आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए इंग्लिश वाले चैनल के ऊपर। हिंदी में डालूंगी मैं, डोंट वरी, उसके अंदर इंग्लिश की रीडिंग्स होंगी, लेकिन हिंदी में आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोज़ होंगे। तो आप लोगों को जाना है, अगर देखना है कैसे क्या करनी है चीज़ें, देन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर है इंग्लिश चैनल का लिंक, ठीक है, आप वहाँ से जा करके उस चीज़ को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए मुझे मेल ज़रूर करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, बहुत सारा प्यार, बाय।